यूपी में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। वहीं निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज महिला दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करके पार्टी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। इसको लेकर गुरुवार को नाराज महिला दावेदारों ने बीजेपी कार्यालय जाकर अपनी नाराजगी भी जताई। ऐसे ही बीजेपी महिला मोर्चा के लखनऊ महानगर की नगर मंत्री उमा मिश्रा ने पांचवीं बार एक ही सदस्य व उसके परिवार को टिकट मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोक कर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। वहीं उमा मिश्रा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टिकट न मिलने का जिम्मेदार डॉक्टर दिनेश शर्मा को बताया। उन्होंने कहा, दिनेश शर्मा की वजह से मेरा टिकट नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी ने पांचवी बार लखनऊ के त्रिवेणी नगर वार्ड से देव शर्मा उर्फ मुन्ना मिश्रा को टिकट थमाया। इस सीट से ही बीजेपी नेत्री उमा मिश्रा भी टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर देव शर्मा मुन्ना पर ही भरोसा जताया। इससे नाराज होकर बीजेपी नेत्री उमा मिश्रा ने त्रिवेणी नगर वार्ड से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। इससे बीजेपी प्रत्याशी देव शर्मा मुन्ना मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही जिस वार्ड से बीजेपी पिछले कई चुनाव से जीत दर्ज कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी उमा मिश्रा की बगावत बीजेपी को हार का स्वाद भी चखा सकती है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उमा मिश्रा प्रचार प्रसार में भी जुट गई हैं। वो जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। इसके साथ ही बागी होकर उमा मिश्रा ने बीजेपी पर ही अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि सबकी पत्नियों को टिकट दिया है, चाहे वो पदाधिकारी की पत्नी हो, मंडल अध्यक्ष की पत्नी हो या फिर मौजूदा पार्षद की पत्नी हो। उन्होंने कहा कि अगर 33% महिला आरक्षण में ये लोग आती हैं तो महिला कार्यकर्ता कहाँ जाएंगी। उमा ने कहा कि त्रिवेणी नगर वार्ड से जिस उम्मीदवार को उतारा गया है उसे पांचवी बार उसी वार्ड से टिकट दिया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी संगठन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये लोग परिवारवाद की परिभाषा बताते हैं कि सपा बसपा में परिवारवाद चल रहा है, लेकिन ये जब एक ही परिवार को पांचवी बार टिकट दे रहे हैं तो हमारा संगठन क्या कर रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2012 नगर निगम चुनाव में भी यही हुआ था। उस दौरान त्रिवेणी नगर की सीट महिला की थी, उस चुनाव में भी हमने टिकट मांगा था, लेकिन उस चुनाव में मुन्ना मिश्रा की पत्नी को टिकट थमा दिया गया, जबकि वो कभी क्षेत्र में नहीं निकलती हैं। चुनाव बाद फिर वो घर में घुस गई। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं तो टिकट किसको दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अपनी नाराजगी को लेकर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से मिलने गए थे, लेकिन चुनाव में व्यस्तता के कारणों से मुलाकात नहीं हो पाई। हमारी मुलाकात महामंत्री संजय राय से हुई थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।